शासकीय उत्तराखंड सभा के तत्वाधान में मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह का भव्य आयोजन पटियाला के हरपाल टिवणा कला केंद्र में गत रविवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश खुलवे ने की। मातृशक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में पद्मश्री माधुरी बर्थवाल व पद्मश्री वसंती देवी सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त 13 उत्तराखंडी मूल की महिलाओं को मां नंदा शक्ति सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलित व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। सभी नामांकित महिलाओं को मेमेंटो शॉल और पिछोड़ा प्रदान किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध युवा गायिका करिश्मा शाह ने अपनी गीत अब लगलो मांडणु की प्रस्तुति से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। मां नंदा सम्मान 2022 से सम्मानित महिलाओं के जीवन परिचय और राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा की गत वर्ष की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका नंदा का भी विमोचन किया गया। मंच संचालन शिल्पा नेगी व सुरेंद्र रावत ने किया। कार्यक्रम में दलबीर पुंडित, कुलदीप नेगी, सरिता भंडारी बलूनी, अशोक नेगी, लोकेंद्र गुसाई, हीरानाथ गोस्वामी, आशा रावत, राजीव कैंतुरा, रंजीत रणवाल, कमला गोस्वामी, चेतना कंडारी, आरती बिस्ट, संजीत कंडियाल, रविंद्र गुसाई, दिनेश चौहान, भारत भूषण नरेंद्र नेगी, सरोज बिस्ट, सुदेश नेगी, प्रेम सिंह बिस्ट आदि शामिल हुए। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा ने 13 मार्च 2022 को पंजाब प्रांत के पटियाला नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान में हम उत्तराखंड मूल की महिलाओं को उनके खेल, सामाजिक, स्पोर्ट्स, लोक कला, साहित्य, नृत्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान के उपलक्ष्य में हम उन्हें सम्मान से अलंकृत करते हैं। इस वर्ष हमने 13 महिलाओं को मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह से अलंकृत किया। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इसमें 2 ऐसी महिलाओं को भी हमने सम्मानित किया जिन्हें वर्तमान में पद्म श्री से नवाजा गया है। यह हमारे लिए अति गौरव का विषय था कि उन्हें हम मंच साझा करके उन्होंने हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में समाज के सभी लोगों का अवगत कराया। और समारोह में युवा कलाकारा करिश्मा शाह ने अब लगुलो मंडुणा के गायन कर दर्शकों का मन मोह लिया। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले सभी उत्तराखंड वासियों को इस समारोह के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि इन विभूतियों से हमें सीख लेकर समाज में अपना योगदान प्रदान करना चाहिए जिसे समाज समृद्ध और उच्च कोटि का बन सके। राष्ट्र उत्तराखंड सभा के तत्वाधान से हमने 13 मार्च को मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया था। पटियाला शहर में ये पहली बार बड़ा आयोजन किया गया था। सभा के गणमान्य अतिथि सदस्यगण के साथ साथ हमने उत्तराखंड के ऐसे मातृशक्ति को वहाँ इनवाइट किया था जिन्होंने लीग से हटके कुछ काम किया जिनकी वजह से उत्तराखंड की पहचान बनी और इन सब पे हमें गर्व है। हमारे इस प्रोग्राम में 13 मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया था जिसमें से 2 पद्मश्री थी, जिसमें से एक हमारी माधुरी भरतवाल जी हैं जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है और एक बसंती देवी जी हैं।
इन्हें भी पद्मश्री के लिए अवार्डेड किया गया था। इसके अलावा पहली पर्वतरोही नंदा देवी पर्वत चढ़ाई करने वाली श्रीमती हर्षवंती जी थी। इसके अतिरिक्त भी अलग अलग क्षेत्रों से कई महिलाएं शक्ति हमारे यहाँ आई थी, साहित्यकार से लेकर, धरोहर संरक्षण से भी लेकर, और अपना स्वरोजगार को लेकर मुहिम चलाने वाली 47 साल से स्वरोजगार को चला रही हैं देवकी जी, जो कि पिथौरागढ़ से आई थी। सभी मातृशक्ति गाँव के अलावा ऐसे गाँव क्षेत्रों से तो आई थी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों से भी आई थी जहाँ उनको एजुकेशन नहीं मिली थी, और फिर भी उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया, समाज में अपनी एक पहचान बनाई और महिला सशक्तिकरण के लिए वो कार्य कर रही हैं। इसमें से एक तारा पांगती जी भी आई थी जो मुनशारी की थी, उत्तराखंड के अंतिम गाँव की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई 8वीं क्लास की बचपन में छोड़ दी थी, और शादी के बाद बच्चे हो जाने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे भी आगे पढ़ना चाहिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने बेटे के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और न केवल खुद ने पढ़ाई कंप्लीट की बल्कि 50 और महिलाओं को उन्होंने अपने साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई, और स्वरोजगार की मुहिम में उनको लेके चल रही हैं, उनको रोजगार प्रदान कर रही हैं। तो ऐसी मातृशक्तियों को सम्मानित हमारी सभा द्वारा किया गया। हमारे अध्यक्ष महोदय जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे महासचिव श्री संजीव नेगी जी ने ऐसी महिलाओं को ढूंढा, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और कार्यक्रम संयोजक के तौर पर मैंने ये कार्य किया। इसके साथ में मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजित करने में हमें सपोर्ट किया। तन मन तो सब जगह से मिलता है, धन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं जयपुर से, चूँकि मैं खुद जयपुर से हूँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुरेंद्र सजवान जी का, जयपुर प्लस चैनल का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया, जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को कर पाए। साथ ही साथ हमारे समाज सेवी दीदी सुनीता बिश जी को, कैमरे कोच के निर्देशक लता मैम को, और आशुतोष पंत जी को, जिन्होंने इस मुहिम में हमें धन से सपोर्ट किया और हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह से निभा पाए। धन्यवाद।